السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. सबसे पहले हर तरह की हमद और सना, तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फजलो एहसान से आज की इस बाबरकत मजलिस में हम जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी दीन की खिदमत करने वाला बनाए, कुरान मजीद पढ़ने वाला बनाए, कुरान मजीद समझने वाला बनाए, कुरान की आयतों में गौर व फिक्र करने वाला बनाए, कुरान के आयतों को अपनी अपने दावत का निसाब बनाने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दिलों का सुकून बना दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद के ज़रिए हमारे मसाइल हल कर दे, हमारे गमों परेशानियों और तकलीफ़ों से हमको निजात अता फरमा दे। सूरह बकरा की आयतों का सिलसिला चल रहा था, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 246 से हम अपनी तफसीर का आगाज करेंगे। आयत का मुख्तसर सा तर्जमा पहले देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला तफसील से उनके अल्फाज और उसके दलालतों पे गौर करेंगे। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा इज कालू निनबी लहुम बअथ लना मलिकन نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى क्या तुमने नहीं देखा, इलल मलई मिन बनी इसराइला बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा, मला यानी सरदार अशराफ, मिन बादी मूसा मूसा के बाद, इज कालू लि नबी लहुम जब उन्होंने अपने किसी नबी से कहा इबास लना मलिकन नुकातिल हमको कोई बादशाह मुकर करके दें, नुकातिल फी सबीलिल्लाह ताकि हम अल्लाह ताला के रास्ते में किताल करें। قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا तो नबी ने कहा कि करीब है कि अगर तुम पर किताल को फर्ज कर दिया जाए तो तुम किताल ना करो। قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا कहा कि करीब है कि अगर तुम पर किताल फर्ज कर दिया जाए ألا تقاتلوا कि तुम किताल ना करो। قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله उन्होंने कहा कि ما لنا हम क्यों नहीं अल्लाह नुकातिल क्यों नहीं हम किताल करेंगे, في سبيل الله अल्लाह के रास्ते में, وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا जबकि हमको निकाल दिया गया है अपने घरों से और अपने बेटों से, فلما كتب عليهم القتال तो जब उन पर किताल फर्ज किया गया, تبلوا तो वो सब फिर गए, इल्ला क़लीलम मिनहुम सिवाय उनमें से थोड़े लोगों के, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमों को जानने वाला है। ये एक और मिसाल जो है वो बनी इसराइल के लोगों में से एक तबके की किसी जमात की दी गई, क्योंकि मैंने बताया था सूरह बकरा के
मरकजी मौजूआत में से, बल्कि सूरह बकरा का सबसे जो मरकजी मौजू है वो है कताल, अल्लाह के रास्ते में जिहाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ चुके हैं। मदीना आने के बाद अव्वलन तो मुसलमानों से कहा गया कि अपने हाथ रोक करके रखो, लेकिन जब मक्का वालों की तरफ से मुसलसल फौज कशी और डराना धमकाना और मुसलमानों के खिलाफ मदीना के जो मुनाफिकीन थे उनको बगावत पे आमादा करना और खौफ का माहौल बनाए रखना ये जारी रहा, वलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी गई कि आप कताल करें, फिर बाद में मुसलमानों पर वाजिब कर दिया गया कि वो कताल करें, तलवार उठाएं। इन्हीं आयतों में पीछे गुजरा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कताल को फर्ज कर दिया है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछली कौमों की मिसालें बयान करके मुसलमानों को कताल पर उभार रहा है। पिछली आयत में बताया गया कि एक बड़ी कौम थी जो मौत के खौफ से कताल के लिए नहीं निकली, तो अल्लाह ताला ने उन पर वैसे ही मौत तारी कर दी, क्योंकि सबसे बड़ा सबब जिहाद से दूर रहने का होता है कि इंसान को मौत का खौफ हो। इस आयत में बताया जा रहा है कि बंदा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करता है और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी निकलता है तो वसाइल की किल्लत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास हथियार कम हो, अफराद कम हो, लड़ने वाले सिपाही कम हो, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज्निल्लाह। जो वाकया बयान किया गया उसका खुलासा भी आगे वाली आयतों में आ जाएगा, और यही खुलासा है कि तुम तादाद में कम हो, मुसलमान जाहिर सी बात है अभी तादाद में कम थे, मदीना की छोटी सी बस्ती में ही जो आबादी थी मुसलमानों की थी, और उनके मुकाबले में सिर्फ कुरैश नहीं थे बल्कि पूरा अरब उनके खिलाफ था, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो उनके मुकाबले में थी। और फिर मुसलमान जो हिजरत के बाद सूरत हाल बनी थी उसमें बहुत ज्यादा माली एतबार से भी ताकतवर नहीं थे, ठीक है उसमें ऐसे अफराद थे जो अपने खानदानी एतबार से बहुत मालदार लोग थे, लेकिन सबके साथ सूरत हाल ये थी कि लोग अपनी जायदाद, अपना कारोबार, अपना घर बार सब छोड़ करके मुसलसल मदीना आ रहे थे। जो मुहाजिरीन थे वो सब लुटा पिटा करके आ रहे थे। अंसार वैसे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, क्योंकि कुरैश के जो लोग थे वो तो कारोबारी लोग थे, माली हैसियत उनकी बहुत मुस्तहकम थी, लेकिन अंसार के जो लोग थे वो तिजारत पेशा नहीं थे ज्यादातर, बेशतर लोगों का जो मईशत थी, इकॉनमी, वो डिपेंड करती थी खजूरों की पैदावार पर। किसान किस्म के लोग थे, किसानी करते थे, तो वैसे माली एतबार से अंसार भी बहुत ज्यादा मालदार भी नहीं थे। और फिर ये कि जाहिर सी बात है इतने सारे मुहाजिरीन जो खास तौर पे मक्का से और अमूमी तौर पे अलग अलग इलाकों से भी आ रहे थे, उनकी सारी माशी किफालत करना मदीना वालों के जिम्मे आ गया था जो अंसार के लोग थे, तो वैसे ही मदीना की इकॉनमी पे इतने सारे अफराद का बोझ बढ़ गया था। तो ऐसी सूरत में माली कमजोरी भी थी, अफराद भी कम थे, और जंगों में दोनों की जरूरत होती है, अफराद की कुव्वत की भी जरूरत होती है, और क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है कि जो जंगें होती थी उनके लिए अच्छा खासा माल भी चाहिए होता था, बल्कि आगे जो भी इन्फाक की आयतें आएंगी वो असल में इसी पस मंजर में आएंगी। बहुत लंबे कई एक रुकुआत तक जो है ना वो इन्फाक का जिक्र आएगा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की उस वक्त जो सूरत हाल थी वो ये था कि जिहाद में खर्च करें, मुजाहिदीन पे खर्च करें, घोड़े चाहिए, ऊंट चाहिए, तलवारें चाहिए, जिरहें चाहिए, ढाल चाहिए, तीरो तफंग चाहिए, ये सारा जो आलाते हर्ब व ज़र्ब थे, जो उस जमाने के हथियार थे वो सारे के सारे, क्योंकि अरब के लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे तो उनके लिए भी एक अच्छा खासा बजट चाहिए होता था। तो जाहिर सी बात है मुसलमान अपने हिजरत के आगाज के दौर में किसी भी एतबार से जंग के लिए तैयार नहीं थे, ना उनके पास अफराद की कुव्वत थी इतनी ज्यादा कि कुरैश जैसी ताकत से लड़ सकें, और कुरैश भी अकेले भी नहीं थे, कुरैश के जो हलीफ कबाइल थे वो भी तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए इब्तदाई जंगों में जब भी मुसलमानों का टकराव हुआ कुरैश वालों के साथ मुसलमान तादाद में कम रहे और कुरैश तादाद में ज्यादा रहे। तो एक तो तादाद में कम थे और फिर ये कि माली तौर भी परेशान थे। तो इस वाकये के जरिए से जो बयान किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि जब अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की मदद होती है, अल्लाह ताला की ताईद होती है, लोग अल्लाह ताला पे तवक्कुल करते हैं, लोगों का ईमान मजबूत होता है, तो बहुत छोटी जमात भी जमात पर गालिब आ जाती है।
अल्लाह ताला अपनी मदद जब देता है तो अकलियत अक्सरियत पे गालिब आ जाती है, माइनॉरिटी होना प्रॉब्लम नहीं रहता है, माइनॉरिटी मेजोरिटी पे गालिब आ जाती है। और ये खुलासा जो है ना वो पूरे वाकये का वो इंशाअल्लाह ताला आगे बयान होगा। तो उसी जिम में ये बात चल रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अलम तारा इलल मलई मिन बनी इसराइला मिन बादी मूसा। अलम तारा इस्तेफहाम है लित तकरीरी व तअजीबी, तकरीर और तअजीब के लिए। यानी मैंने बताया कि अलम आ जो है आ हमजा इस्तेफहामिया या आमतौर पे इस्तेफहाम के माना में आता है सवाल करने के लिए। ऐसे मौकों पर अलिफ जो इस्तेफाम के लिए आता है वो कोई सवाल नहीं करना होता है, बल्कि उसके जरिए से ताज्जुब ताज्जुब पैदा करना मकसूद होता है कि कितनी ताज्जुब की बात है, आपने देखा आपने जाना उन लोगों के बारे में, इलल मलईन बनी इसराइल, बनी इसराइल के मला को देखा आपने। मला मैंने बताया था मला सरदारों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो लोग जिनके पास इतनी माली कुव्वत हो, इतना ज्यादा माल हो कि उसको देखकर लोगों की आंखें भर जाएं, तो मला का लफ्ज इस माने में आता है, बनी इसराइल के सरदार अशराफ रूसा जो उनके पैसे वाले लोग थे। मिन बादी मूसा, हजरते मूसा के बाद, हजरते मूसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी कलीमुल्लाह, बनी इसराइल के अंबिया में सबसे अफजल नबी। फरमाया कि आपने मूसा को देखा, उनकी वफात के बाद बनी इसराइल की एक जमात को देखा, यानी उसके बारे में आप जानते हैं कितनी ताज्जुब की बात है। इज कालू लि नबीहिम, जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा, अब यहाँ पे ले नबी नकरा आया है और इशारा इस तरफ है कि इज कालू लि नबीहिम, जब उन्होंने अपने किसी नबी से कहा। अब ये नबी नकरा लाए हैं, जैसी बात है कोई एक ही नबी रहा होगा, लेकिन अल्लाह ताला असल में इस ताबीर के जरिए से ये बताना चाहता है कि इस बहस में मत जाओगी वो नबी कौन था, था कोई नबी, असल ये कि कहा क्या उसने और नबी ने जवाब कह दिया। अब कौन नबी था, मुफस्सिरीन ने उसके बारे में अलग अलग बातें कही हैं। किसी ने कहा वो शमवील थे जिनको अरबी में शमवील कहा जाता है, किसी ने कहा वो शमऊन थे, किसी ने कहा यूशा बिन नून थे। बहरहाल नबी नकरा लाके बताया जा रहा है कि कोई नबी था, उस बहस में मत पड़ो कि वो कौन नबी थे। असल मैंने इससे पहले भी बताया है कि कुरान मजीद आमतौर पर जो वाकया बयान करता है उसमें कुरान मजीद का ये बताना होता है कि तुम वाकई में इबरत है वो उस पर गौर करो, ये मत देखो कि हकीकी नाम क्या था। तो फरमाए इज कालू नबीहिम इबअथ लना मलिकन, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें। अल मलिक बादशाह को कहते हैं जो ममलकत में तसरुफ करेगा, हमको एक बादशाह बना करके दें। हाँ नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह ताला के रास्ते में कताल करेंगे। क्यों इन्होंने कहा ऐसा, इन्होंने इसलिए कहा कि जालूत की जो कौम थी जिनको अमालिका कहा जाता था, उन लोगों ने बनी इसराइल पे बहुत जुल्म किया, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया, उनको उनके घरों से निकाल दिया, और ये जुल्म का सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। बनी इसराइल अपने इस जुल्म के दौर से गुजरते रहे, यहाँ तक कि उनको ये एहसास हुआ कि ये हम जुल्म कब तक बर्दाश्त करेंगे, अब हमको भी जवाब में तलवार उठानी पड़ेगी, अमालिका का जवाब देने के लिए, जालूत की कौम का जवाब देने के लिए। कौम जालूत में से अमालिका थे, यानी जालूत उनके बादशाह का नाम था और उनका नाम अमालिका था। ऐन मीम अलिफ लाम काफ ता। काल हल आसई तुम इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, तो उनके नबी ने जवाब दिया हल आसई तुम इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, कि बहुत मुमकिन है कि अगर तुम पर क़िताल को फर्ज कर दिया गया तो तुम क़िताल नहीं करोगे। क्योंकि बनी इसराइल के लोग थे, उनकी नफ्सियात से, उनकी सोच से, उनके फितनों से उनके नबी बेहतरीन तरीके से वाकिफ थे कि ये किस सोच के और किस फितरत के लोग हैं, तो सीधा सीधा जवाब दिया जो उनके नबी थे उन्होंने कि भाई अगर तुम पर किताल फर्ज कर दिया जाए तो तुम किताल नहीं करोगे। तो इन लोगों ने कहा काल हल आसई तुम, कि तवक्को इसी बात की है, आसा ये तवक्को के माने में आता है, मतलब ये होता है हल यु तवक्का मिनकुम इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, कि तुमसे तवक्को इसी बात की है, उम्मीद इसी बात की है उनकी, तो इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल, कि अगर तुम पर क़िताल फर्ज कर दिया जाए अल्लाह तो कातिलू तो तुम क़िताल नहीं करोगे। कालू तो उन्होंने कहा, एज नबी का जवाब देते हुए, मा लना अल्लाह नुकातिल फी सबीलिल्लाह,
कि हम भला क्यों नहीं अल्लाह ताला के रास्ते में कताल करेंगे, जिहाद करेंगे। यानी इन्होंने इनकार करते हुए ताज्जुब से कहा कि मान लेना, आखिर हम क्यों कताल नहीं करेंगे अल्लाह के रास्ते में। वक़द उखरी जाना मिन दियारीना व अबनाइना, जबकि हमको निकाल दिया गया है अपने घरों से और अपने बच्चों से निकाल दिया गया है। यानी हम कताल क्यों नहीं करेंगे जब हम पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं, हमको अपने घरों से निकाल दिया गया। यानी अमालिका ने ये जुल्म उन पर किया था कि उनको घरों से निकाल दिया, उनको उनके बच्चों को उनसे छीन लिया, महरूम कर दिया था। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, तो जब उन पर क़िताल फर्ज किया गया, तवल्लौ, तो वो पलट गए, क़िताल के लिए आगे नहीं बढ़े। ना उनका दिल क़िताल के लिए कहा, ना वो जिस्म से अपने क़िताल में शरीक हुए। यानी नबी ने उनके बारे में जो तवक्कु की थी, जो अंदेशा था नबी को, वो अंदेशा सही साबित हुआ। ना तो उन्होंने जिस्मानी तौर पे कताल किया, न जहन उनका तैयार हुआ कताल करने के लिए। इल्ला कलीलम मिनहुम, सिवाय उनमें से थोड़े लोगों के। बहुत कलील जो एक तादाद थी, वो कलील तादाद जो है वो शरीक हुई। और बाज रिवायतों में फसीरीन ने ये बयान किया है कि ये जो तालूत के साथ जंग करने वाले बनी इसराइल के लोग थे, वो उतने ही थे जो जंगे बदर में शरीक थे, 313, 313। और बाज लोगों ने ये कहा है कि कलील जब कहा जाता है तो उससे मुराद होता है कि 1/3 से कम, यानी 1/3 से कम लोगों को ही कलील कहा जाएगा। यानी कहने को तो पूरी कौम वाले आके खड़े हो गए थे कि कैताल फर्ज होना चाहिए, हम लड़ाई करेंगे। जब कैताल फर्ज हो गया तो 1/3 भी लोग तैयार नहीं हुए कैताल के लिए। और मतलब उसकी दलील ये दी गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को, जब उन्होंने अल्लाह के नबी से इजाजत मांगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दें कि मैं अपना पूरा माल सदका कर दूं, वसीयत कर दूं कि मेरे बाद मेरा माल सदका कर दिया जाए, तो अल्लाह रसूल ने इजाजत नहीं दी। कहा, अल्लाह के नबी क्या आधा माल वसीयत कर दूं? फरमाया नहीं। कहा, क्या 2/3 माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी फिर भी इजाजत नहीं दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी 1/3 माल की वसीयत कर दूं मैं, कि मेरी वफात के बाद 1/3 माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में गुरबा फुकरा मसाकिन को बांट दिया जाए। तो अल्लाह उसने फरमाया, अस्सुलुस व सुलुस व कसीर, कि सुलुस की वसीयत कर सकते हो और सुलुस भी ज्यादा है। तो इससे उल्मा ने इस्तदलाल किया है कि अल्लाह ने फरमाया इल्ला कलील मिनहुम, कि बहुत कलील तादाद निकली उनमें से लड़ने के लिए, तो यानी 1/3 भी नहीं निकले, 1/3 लोग भी तैयार नहीं हुए। जिहाद का नाम तो बहुत लोग ले रहे थे, लेकिन जब जिहाद फर्ज कर दिया गया तो 1/3 लोग भी जिहाद में लड़ने के लिए निकले नहीं बाहर। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को बहुत अच्छे से जानता है। अलीम ये फ़ाइल के बदन पर मुबालगे के लिए आता है। अल्लाह बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि कौन लोग जालिम है। जुल्म असल में कहते हैं वज़ुउ शय फ़ी गैरी मौज़िही अला सबीलिल उदवानी, कि किसी चीज़ को उसका हक नहीं देना, जो उसका हक था उसको नहीं देना, उसको दूसरी जगह रख देना। तो अलीमुम बिज़ालिमीन का मतलब अल्लाह ताला ने जो चीज़ फ़र्ज़ की है, अगर इंसान उस फ़र्ज़ को ना निभाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसका शुमार जालिमों में होता है। अल्लाह ताला ने इन पर क़िताल फ़र्ज़ किया, लेकिन इन्होंने क़िताल का हक अदा नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जालिम कहा है। अब आयत की तफसीर देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल, अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? यहाँ पे देखने से मुराद, क्या आपको इस पर ताज्जुब नहीं है? कितनी ही ताज्जुब की बात है, क्या आपको पता नहीं चला? रुयत कल्बिया मुराद है, क्या आपको पता नहीं चला? इलल मलई मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के उस कौम के बारे में, इससे पता चला कि हमको तारीख पढ़ते रहना चाहिए, और तारीख लुत्फ और तफरी और इंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसको इबरत के लिए पढ़ना चाहिए। अलहिस्सो अल तअम्मुल फी अहवाल सबिकीना व क़िससिहिम व मा हसल मिनहुम व मा जरा लहुम व अख़्ज़ुल इज़्ज़ा वल इबरा मिन दालिक, कि पुराने जो लोग हैं उनके अहवाल पर गौर करना चाहिए, पुराने जो लोग गुजरे हैं उनके किस्से पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी से जब कहा गया अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, मतलब अल्लाह ताला का मकसूद है कि आप पढ़ो, आप पुराने लोगों की भी तारीख पढ़ो, उनके भी किस्से पढ़ो, पुराने लोगों के किस्से पढ़ो, लेकिन पढ़ने का मकसद क्या होना चाहिए? उनके वाकयात से इबरत हासिल करना, उनके हालात से नसीहत हासिल करना। यहाँ आंखों से देखना मुराद नहीं है,
बल्कि उनका इल्म हासिल करना है ताकि उनके वाकयात और उनके हालात से इबरत हासिल की जा सके। दूसरी बात क्या क्या पता चला, बनी इसराइल के लोगों ने, जो सरदार थे, उन्होंने हजरत मूसा की वफात के बाद अपने नबी से क्या कहा, इबअस लना मलिकन नुकातिल, हमको एक बादशाह मुकर्रर करके दें जिनके जरिए से हम कताल करें। इसमें बादशाह के हवाले से दो बातें मैं बहुत ही अहम बताना चाहता हूँ और इस जमाने के दो बहुत बड़े फितनों का उससे इंशाअल्लाह ताला मुकाबला कर सकते हैं। पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ इस आयत के जरिए से कि बादशाही कोई बुरी चीज नहीं है, बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं है, बादशाह होना कोई बुरी चीज नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे इख्वानी जैसे मौलाना मौदूदी हैं और उनको फॉलो करने वाले जो जमात इस्लामी के लोग हैं, उन्होंने एक नरेटिव ये बना दिया है कि बादशाहत फी नफ्स ही कोई बुरी चीज है, बादशाहत ऐसी चीज है जो फी नफ्स ही बुरी चीज है और उससे बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और इस्लाम में बादशाही निज़ाम कोई बुरा निज़ाम है, इस्लाम में तो शूरा का और खलफा का बिल्कुल ऐसे बयान किया गया है कि गोया कि इस्लाम का जो निज़ाम है वो जमहूरियत वाला निज़ाम है। खासतौर पे मौलाना मौदूदी ने जो किताब लिखी खिलाफत व मुलूकियत, तो खिलाफत को मुलूकियत से जुदा करके ये साबित करने की कोशिश की है कि जैसे मुलूकियत कोई बहुत बुरी चीज है और जो है खिलाफत के मुकाबले में मुलूकियत को रखा है, और मुलूकियत फी नफ्सी ही कोई ऐब है। तो इस आयत से हमको ये पता चलता है कि मुलूक यानी बादशाह होना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर बादशाहत कोई बुरी चीज होती तो ये जो लोग हैं क्या नाम है बनी इसराइल के, ये अपने नबी से बादशाह को लाने का मुतालबा नहीं करते कि हमको बादशाह निकाल करके दो। हाँ, और अगर मुतालबा करते तो नबी उनके इस मुतालबे को नहीं मानते, नबी ये कहते कि तुम लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है कि तुम बादशाह मांग रहे हो। तो बादशाह जो है होना वो कोई बुरी चीज नहीं, बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं है। मुझे याद आ रहा है, मैं 1 मिनट तफ़हीमुल कुरान में चाहता था कि खोल करके वो मौलाना की इबारते दिखाऊं कि इस आयत के ज़िम्न में भी उन्होंने क्या कहा, इंशाअल्लाह ताला मौका मिलता है तो मैं करता हूँ। तो बहरहाल बादशाहत फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरा सा मुझे कोई अगर किसी के पास कुरान हो तो मुझे रुकू बताने की, ये कौन सा रुकू है, 29। अभी मुझे याद आया कि मौलाना मौदूदी ने गालिबन इस आयत की भी शरह में इस तरह की कोई बात कही है। बहरहाल तो अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल, तो ये पहली बात तो ये है कि बादशाहत फी नफ्सी बुरी चीज नहीं है। अगर बादशाहत बुरी चीज होती तो बादशाहत अगर बुरी चीज होती तो पहली बात तो ये बादशाह मांगते नहीं, और अगर बादशाह मांगते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बादशाह नहीं देता, नबी उनको ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर करेंगे। तो बहरहाल तो बादशाही कोई बुरी चीज नहीं है, जैसे जो मौलाना मौदूदी ने एक नरेटिव बनाने की कोशिश की है कि बादशाहत फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज है, इससे पता चलता है कि बादशाहत बुरी चीज नहीं है। ये मौलाना मौदूदी की इबारत है, ये 1 मिनट, ये बड़ी दिलचस्प चीज है। और खास तौर पे मौलाना मौदूदी ने बादशाहत के हवाले से जो एक नरेटिव कायम करने की कोशिश की है, देखिए क्या लिखते हैं वो, कि उन्होंने मुख्तलिफ जो ओल्ड टेस्टमेंट की का हवाला जमा करके आखिर में उन्होंने ये लिखा है कि किताबे समवील की इन तसरीहात से ये बात वाजे हो जाती है। ये दिख रहा है आप लोगों को ना स्क्रीन में, दिख रहा है कि मौलाना मौदूदी की इबारत है, किताबे समवील की, यानी ये इस कुरान से इनको कोई दलील इस पर नहीं मिली कि बादशाहत बुरी चीज है, लेकिन क्योंकि खिलाफत मुलुकियत में उन्होंने एक नरेटिव कायम किया है कि खिलाफत अच्छी चीज है और खिलाफत बादशाहत जो है वो खिलाफत के मुकाबले में कोई चीज होती है, और बादशाहत फी नफ्सी ही बुरी चीज है, बादशाह बुरे लोग होते हैं, बादशाहत बुरी चीज है और शरीयत के हिकमतों के मनाफी है। तो मौलाना मौदूदी लिख रहे हैं कि किताबे समवील, अभी किसका हवाला दे रहे हैं, ये ओल्ड टेस्टमेंट का वाला दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कुरान की कोई ऐसी आयत इनके पास नहीं है जिससे ये अपने मुद्दाए को अपने मुद्दा को साबित कर सकें, तो हवाला ये लेकर के आ रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट का, समवील की किताब की इन तसरीहात से ये बात वाजे हो जाती है कि बादशाहत के कयाम का ये मुतालबा अल्लाह उसके नबी को पसंद ना था। कुरान की आयत आप पढ़ें,
कहाँ पे इस आयत में कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला को उनका ये मुतालबा पसंद नहीं आया? अगर ये मुतालबा ही गलत होता तो नबी ये कहते कि तुम बादशाह मुतालबा क्यों कर रहे हो, तुमको बादशाह क्यों चाहिए? लेकिन जाहिर सी बात है इस पूरी कुरान की आयत में कहीं भी नहीं लगता है कि ये बादशाहत का मुतालबा, मुआशात कायम करने का मुतालबा कोई गलत था। हाँ, तो कहते हैं कि किताबे संगील की तस्रीहात से बात वाजे हो जाती है कि बादशाहत का कायम का मुतालबा अल्लाह उसके नबी को पसंद ना था। अब रहा ये सवाल कि कुरान मजीद में इस मकाम पर सरदारा ने बनी इसराइल के इस मुतालबे की मजम्मत क्यों नहीं की गई, तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इस किस्से का जिक्र जिस गरज से किया है उससे ये मसाला गैर मुतालिक है कि उनका मुतालबा सही था या ना था। अजीब बात है, उन्होंने मुतालबा गलत किया और नबी ने इतराज भी नहीं किया कि तुम्हारा मुतालबा गलत है, बल्कि नबी के बल्कि इनके मुतालबे पर अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बना करके भी दे दिया। इसलिए ना आप देखिए, जितने भी बिदअती मुफस्सरीन है उनका प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो पहले एक नजरिया बना लेते हैं, फिर ये चाहते हैं कि कुरान मजीद को तोड़ मरोड़ करके अपने नजरिए के मुताबिक साबित करें, और अगर कोई हवाला कुरान से नहीं मिलता तो किसी कहीं लॉजिक लगाएंगे, कहीं अपने जज्बात को हावी करके अपने जोरे बयान से साबित करेंगे, जैसे यहाँ पर संवील किताब यानी ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला ला करके। हालांकि वो जो हवाले दिए उससे भी ये साबित नहीं होता कि बादशाह फी नफ्सी कोई बुरी चीज है। मैं बस इतना साबित बताना चाह रहा हूँ कि मौलाना ने एक जहन ये बना लिया कि मुलूकियत अपने आप पे गलत चीज है, और उसके वो खिलाफत के बिला, हालांकि हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं तो पता चलता है भाई खलीफा मलिक भी होता है, खलीफा बादशाह भी होता है, खलीफा भी बादशाह होता है, बादशाहत खलीफा से अलग कोई चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी होगा, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, खलफा होंगे फरून और बहुत सारे होंगे। इससे पता चलता है कि इस्लामी जो हुक्मरान थे हजरते अली के बाद से, जैसे कहा गया कि खिलाफत 30 साल तक कायम रहेगी, हालांकि इस हदीस पर भी बहुत लंबी बहस है कि सही कि नहीं सही, लेकिन अगर उसे इसको सही भी मान लिया जाए, उसके बाद खुलफा होंगे, उसके बाद बादशाह होंगे, 30 साल के बाद खिलाफत के बाद बादशाह शुरू हो जाएगी, और उन बादशाहों को भी खलीफा कहा गया, बादशाह भी जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन ही होता है। तो पहली बात ये कि मुलुकियत फी नफसी, बादशाहत फी नफसी कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा को सुल्तान कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया फस सुल्तान वली मल्ला वली अला, जिसका कोई वली ना हो सुल्तान उसका वली है। तो पहली चीज मैं साबित करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से अगर कोई इस पस मंजर से वाकिफ होगा तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है कि इस आयत से पता चलता है कि बादशाहत कोई बुरी चीज नहीं। बादशाहत अगर कोई बुरी चीज होती, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब उनके कौम वालों ने कहा हमको एक माबूद बना करके दे जैसे इनका एक माबूद है, तो फौरन नबी ने टोक दिया कि तुम्हें गलत मुतालबा कर रहे हो, तो अगर बादशाहत कायम करने का मुतालबा गलत होता तो नबी टोकते कि तुम ये बादशाह क्यों मांग रहे हो, बादशाहत कायम करने का मुतालबा तुम्हारा गलत है। पर नबी ने बादशाहत के तलब करने पर कोई उन पर एतराज नहीं किया, इसी फितना का कि बादशाह बना दिया जाएगा तो तुम फिर भी कैताल नहीं करोगे, कैताल वाजिब पे, ये नहीं कहा कि तुम्हारा मुतालबा गलत है। तो एक बात तो जो मौलाना मौदूदी और इस आयत में और इसके अलावा भी अपनी आयतों में और मुख्तलिफ नुसूस की तावील करके साबित करना चाहते हैं कि बादशाहत फी नफसी इन इट सेल्फ जो है वो किंगडम कोई बुरी चीज है, किंगडम बादशाह होना कोई बुरी चीज नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी एक चीज मैं इससे ये आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि बादशाहत जो है वो किताल यानी अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद, जिहाद के लिए अमीर होना जरूरी है, जिहाद जो है वो इंडिविजुअल नहीं लड़ा जाता है, या कोई भी एक जमात जो है वो अपनी बना करके और खुद अपनी सियासी नजरियात बना करके और खुद से ही जो है वो लड़ना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा। जिहाद हमेशा एक अमीर के ताबे रह करके होगा, जिहाद के लिए एक अमीर होना जरूरी है, कोई अमीर होगा और उस अमीर की मातहती में ही जिहाद होगा। ये जो हमारे बाज जो है वो ममालिक में जिन नौजवानों की फिक्र जो है वो दहशत गर्दाना तालीमात से आलूदा हो जाती है और वो जिहाद के नाम पे क्या करते हैं, 4 लोगों की टुकड़ी बनाई और यहाँ बम धमाके कर रहे हैं, ट्रेनों को बसों को पिकनिकों में एम्बेसीज में जाकर के बमों से उड़ा रहे हैं, सबकी अपनी फिक्र है, सब अपने हिसाब से जिहाद कर रहे हैं, जिहाद इंडिविजुअल नहीं होगा, ना कोई एक टुकड़ी जिहाद करेगी, जिहाद इस्लामी रियासत करेगी। जैसे हर मुल्क के अंदर एक डिफेंस का शोभा होता है, मुसलमानों का भी डिफेंस का शोभा होगा, जिहाद उस डिफेंस के शोभे के तहत होगा, इंडिविजुअल फैसला नहीं करेंगे किससे लड़ना है, जो एक इस्लामी मुल्क का सरबराह होगा वो फैसला करेगा किससे जिहाद करना है, जिहाद इंडिविजुअल नहीं होता है।
इतनी सी बात हम समझ लें तो बहुत सारे जो दहशतगर्दाना वाकयात होते हैं, बाज मरतबा ऐसा होता है कि आदमी मुसलमानों पर हो रहा हुआ जुल्म देख रहा होता है तो उसकी उसका खून खौल जाता है, वो सोचता है मैं अकेली चल करके काफिरों को मारूं। भाई जज्बात आपके अच्छे हैं मुसलमानों के लिए, पर इन जज्बात की बुनियाद पर जो रद्द अमल करते हैं बाज नौजवान, कि अपने से फैसला कर लिया कि मैं बदला लूंगा, और फिर किसी भी बेचारे हिंदू को, ईसाई को, बुद्धिस्ट को, जिसका मुसलमानों से कोई दुश्मनी नहीं होती है, वो तो बेचारा कभी अपने काम पे कारोबार के लिए निकला है, बेचारा ट्रेन में बैठा है, बस में बैठा है, वो कोई शेयर मार्केट में गया हुआ है, उसको उड़ा दिया बम से, कत्ल कर दिया फायरिंग करके, किसी भी अंधाधुन फायरिंग की, उसमें कोई भी उनके फायरिंग के चपेट में आ गया। ये जिहाद नहीं, ये फसाद है। जिहाद क्या होगा? इजअल लना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह। जिहाद करने के लिए एक बादशाह जरूरी है, अमीर जरूरी है, एक रियासत का हाकिम होगा, एक स्टेट का जो जिम्मेदार होगा, हाकिम होगा, लीडर होगा, स्टेट के लीडर की मातहती में ही जिहाद किया जाएगा। अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अल इमाम जुन्नतुन युकातिल मिन वराइही, कि इमाम जो है वो एक जुन्ना होता है। जुन्ना का मतलब ये होता है कि जुन्ना का मतलब ये होता है कि वो ढाल होता है, युकातिल मिन वराइही, और उसकी पुश्त में, उसकी पुश्त पनाही में जिहाद किया जाता है, यानी इमाम ही की मातहती में जिहाद होगा, इंडिविजुअल जिहाद नहीं हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए जोर दे करके कह रहा हूँ कि बाज मरतबा बुरी फिक्र के लोग, दहशत गर्दाना फिक्र के लोग, टेररिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे नौजवानों को हिंदुस्तान में कहीं अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता है तो उनकी वीडियोस दिखा करके और उनके जोश को भड़का करके और उनको भी जिहाद के नाम पर फसाद और दहशतगर्दी पर आमादा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे नौजवान लड़कों को, नौजवान बच्चियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह से अकलियत का कानून अपने हाथ में लेकर के ऐसे लोगों को जो हमारे मुहारिब नहीं है, जंग जिससे लड़ी जाती है, उन लोगों से जो जंग के मैदान में हमको कत्ल करने के लिए आए हैं, एक किसी स्टेट की पॉलिसी से मान लीजिए कि आपको शिकायत है, या किसी स्टेट का जो लीडर है उसकी सियासत गलत है, उस स्टेट के लीडर की गलत पॉलिसी की सजा उस स्टेट में रहने वाले रिहायशियों को नहीं दी जा सकती ना। ठीक है भाई, हम इतनी बात मान लेते हैं कि किसी भी मुल्क में, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, उसके जो लीडर है उनकी पॉलिसी यहाँ की अकलियत या मुसलमानों को लेकर के सही नहीं है, लेकिन क्या उनकी गलत पॉलिसियों की सजा उस मुल्क में रहने वाले उन काफिरों को, जो पता भी नहीं कि इन पॉलिसी से मुत्तफिक है कि नहीं मुत्तफिक है, वो जानते भी कि नहीं जानते, उनको तो नहीं दी जा सकती ना। किसी लीडर ने अगर किसी मुसलमान अकलियत के साथ नाइंसाफी की है तो क्या इसकी सजा में हिंदुस्तान के हर हिंदू को कत्ल किया जा सकता है, किसी को भी पकड़ो कत्ल कर दो? बल्कि ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने वाले होते हैं, ये तो तकफीरी मिजाज इनका इतना शदीद होता है कि ये तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का भी फर्क नहीं करते। यानी अच्छा, वो जब ताजमहल पे हमला हुआ तो जो अंधाधुन फायरिंग हुई उसमें सिर्फ हिंदू थोड़ी मारे गए, कितने सारे मुसलमान उसके अंदर मारे गए, कितने सारे कसूर लोग जिनकी कोई कसूर नहीं था, उनको शायद पता भी नहीं होगा कि कौन सी पॉलिसी है जिनके खिलाफ थी ये दहशतगर्द, उनको कुछ भी नहीं पता, बेचारा आम इंसान, हिंदुस्तान का इंसान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसको क्या पता सियासत और पॉलिटिक्स के बारे में, वो बेचारा अपनी चार की दो वक्त की चार रोटियां जमा करने में ही परेशान रहते हैं। आप सोचिए छोट ठंडे से दिमाग से कि इसमें इस बेचारे आम रिहायशी का क्या कसूर है, जो जानता भी नहीं कि इस मुल्क की पॉलिसी क्या है, पर ये दहशतगर्द को हमारे बाज मरतबा हमारे ही नौजवानों का जहन खराब करके, चाहे वो सरहद किस पार के नौजवान, इस पार के नौजवानों, कानून हाथ में लेकर के छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके लोगों को कत्ल करने को, फसाद फैलाने को जमीन में जिहाद का नाम देते हैं, हालांकि ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। जिहाद एक रियासत में होता है, जैसे हर मुल्क की एक डिफेंस का शोभा होता है, इस्लामी मुल्क का भी एक डिफेंस का शोभा होगा जो मुसलमानों के सरहदों की निगरानी करेगा, और जो फिर इन सरहदों पे आएंगे मैदान में लड़ने के लिए उनसे लड़ा जाएगा, जैसे हर मुल्क में जो है वो सरहदों पे सिपाही लड़ते हैं और उसको फख्र की बात समझते हैं, उसकी फतेह को पे खुशी मनाते हैं और उस शिकस्त पे गमगीन होते हैं, मारे जाने वाले शहीद कहलाते हैं, उनको इज्जत अफजाई की जाती है, सब अपनी जगह पर है। जिहाद असल में ऐसे ही, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने का नाम ही जिहाद है।
किसी भी इंडिविजुअल को जो कुछ जानता नहीं है, जिससे कोई हमारा मुहारिब नहीं, हमसे जंग में लड़ने के लिए नहीं आया, वो अपना कारोबार के लिए निकला है, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकला है, उसको ट्रेन में बम रख करके और उसको उड़ा देना, या बसों में बम रख करके उड़ा देना, कतान ये जिहाद नहीं, ये फसाद है, और फसादियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब की खुशखबरी है। एक बात ये, दो बातें पता चली। एक बात ये भी पता चली कि फरमाया इजअलना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कि हम हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करें। एक बात ये पता चली कि नबुवत का जो मर्तबा है वो बादशाहत के मर्तबे से बुलंद होता है। तो यानी क्योंकि नबी उनके लिए एक अथॉरिटी है, और नबी के पास इतना इख्तियार है कि वो किसी को बादशाह बना सकता है। तो इसका मतलब नबी जो है वो बादशाह से ज्यादा बड़े, नबुवत जो है वो बादशाह से बड़ा मर्तबा है। बनी इसराइल में असल में हजरत मूसा का जो खानदान था उसमें नबुवत चल रही थी, और बनी लावी या कौन सा एक खानदान था जिसमें बादशाह चलती थी, बादशाह उनमें पैदा होते थे। पर नबी की जो अथॉरिटी है वो इतनी बड़ी है कि नबी किसी को बादशाह मुतय्यन कर सकता है। इससे पता चला कि नबी का मर्तबा बादशाह से बड़ा होता है। और इस वक्त तक के बनी इसराइल में ये था कि नबी अलग होते थे, बादशाह अलग होते थे। हजरते दाऊद से फिर ये शुरू हो गया कि पहले नबी थे जिनको बादशाह भी बनाया गया, पहले बादशाह थे जो नबी भी थे, और पहले नबी थे जो बादशाह भी थे। हजरते दाऊद से पहले बनी इसराइल में एक कबीले से लोग बादशाह होते थे और एक कबीले के लोग नबी होते थे। अलबत्ता नबी का मर्तबा बादशाह के मर्तबे से बुलंद माना जाता था, क्योंकि बादशाह ये नहीं तय कर सकता कि नबी कौन है, पर नबी ये तय करता था कि बादशाह कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने आप में नबी भी थे और रियासत मदीना के हाकिम भी थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में से एक पहलू ये भी था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम भी थे, काजी भी थे। ऐसा नहीं कि वो जो अथॉरिटी थी बादशाहत की वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के नबी ने किसी और को दे दी हो। तो अल्लाह के नबी रियासत मदीना के हाकिम भी थे, उसके सियासी उमूर को अल्लाह के नबी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शख्सियती जो रूहानी और सियासी दोनों पहलू में अल्लाह के नबी बहुत कामिल है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी रहनुमाई का काम तो किया ही, सियासी रहनुमाई का काम भी अलग नहीं किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिलीजियस फिगर होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल फिगर भी थे। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी हर नबी की शख्सियत में जो नबुवत वाला पहलू होता है वो अफजल होता है बादशाहत वाले पहलू से, हाकमियत वाले पहलू से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिम भी थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी थे। अलबत्त इससे पता चला कि नबुवत का जो मर्तबा होता है वो बादशाहत के मर्तबे से अलग होता है। इसलिए अगर शरी जो मामलात हों उसमें इंसान को अगर कोई बादशाह का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से टकरा रहा हो तो अल्लाह के नबी के हुक्म को ले लेना है, बादशाह के हुक्म को छोड़ देना है। क्योंकि नबी का मर्तबा, अब ये इतनी आसान सी बात है लेकिन एक इस्तेदलाल भी हमको मिल जाता है कि अल्लाह के यहाँ अहले जो जो जो, जो नबी हैं उनका मर्तबा बादशाह के मर्तबे से अलग है। बल्कि और आगे बढ़ करके थोड़ा सा गौर करें तो एक बात ये समझ में आती है कि अगर किसी मुल्क में जो उलमा हैं, फुकहा हैं, उनका कोई कौल हो और वो बादशाह के कौल से टकरा रहा हो तो बादशाह का कौल छोड़ देना है और उलमा की राय इख्तियार करनी है। क्योंकि उलमा जो हैं वो नबियों के वारिस होते हैं और नबी का जो मकाम है वो बादशाह से बड़ा है। थोड़ी सी बारीक बहस है, और जो हमारे यहाँ का एक पॉलिटिकल सिनारियो है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक का, मैं चाह रहा हूँ कि उस पस मंजर में भी आप इन आयतों को समझें। तो देखिए मैंने क्या कहा कि नबुवत का जो मर्तबा है वो बादशाहत के मर्तबे से बुलंद है, नबी जो है वो बादशाह से बुलंद होता है। क्योंकि नबी से कहा जा रहा है कि बादशाह बना दे, तो बादशाह नबी नहीं तय करेगा नबी कौन है, पर नबी ये तय करेंगे कि बादशाह कौन, अल्लाह के हुक्म से तय करेंगे, नबी जो भी करता है अल्लाह के हुक्म से करता है, लेकिन बहरहाल नबी के पास ये अथॉरिटी है कि वो तय करेगा बादशाह कौन है। तो पता चला नबुवत का दर्जा बादशाहत के मर्तबे से बुलंद है। तो एक तो साफ बात है भाई कि जब बादशाह जो उलुल अम्र होंगे, जिम्मेदार होंगे, वो अगर बादशाह कोई हुक्म ऐसा देता है जो नबी के हुक्म के खिलाफ है तो ला ताअता लिल मखलूक इन फी मासियतिल खालिक, खालिक की मासियत में मखलूक की नाफरमानी नहीं है, तो बादशाह के कहने पर शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ठीक है, बादशाह को समझाना कैसे है, कहाँ तक के अपने आप को जब्त करना है, कहाँ ऐसे भी सूरत हाल पेश आएगी कि शायद बादशाह के खिलाफ बगावत करनी पड़े जब वो कुफरे बुआ कर इरतकाब करे, हाँ नमाज कायम करना छोड़ दे तब तक उसकी मुखालफत नहीं करनी है और उसको नरमी से समझाना है, वो एक अलग चीज है। सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि बादशाह का कौल, अगर बादशाह का हुक्म अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म से टकरा जाए तो अल्लाह के रसूल का कौल लेना चाहिए, क्योंकि नबुवत का मरतबा बादशाहत के मरतबे से बुलंद है। और अगर किसी मुल्क में उलमा का कौल है और उलमा का कौल बादशाह के कौल से टकरा रहे हैं, तो
उलमा की बात को तरजीह दी जाएगी, बल्कि क्योंकि नबी की अथॉरिटी बादशाह की अथॉरिटी से बुलंद है, इसीलिए जो नबी के नुमाइंदे हैं उलमा, उनकी अथॉरिटी बादशाह की अथॉरिटी पे गालिब रहेगी, और बादशाह पर भी वाजिब है कि वो उलमा की अथॉरिटी को तस्लीम करके उनकी इत्तिबा करें। बादशाह पर भी वाजिब है कि वो बादशाह पर भी वाजिब है कि वो उलमा की अथॉरिटी को तस्लीम करे, और उनको वो भी उलमा को फॉलो करेगा। एक पर्टिकुलर आलिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि एक पर्टिकुलर आलिम को, लेकिन अहले इल्म मजमूई तौर पे अथॉरिटी होते हैं, और जो आवाम होती है उसका काम यह है कि अहले इल्म क्यों फॉलो करें, और अवाम के साथ साथ किसी मुल्क का बादशाह भी अगर वो उलमा में से नहीं है तो उस पर ये वाजिब है कि अपनी ममलकत के अपने मुल्क के उलमा को फॉलो करें। आप सऊदी अरब में पुराने अदवार में देखें, शेख इब्ने बास को जिन लोगों ने देखा है, लोग बताते हैं कि शाह फहद जब उनके घर पे जाते थे तो जमीन पे बैठते थे, ऊपर बैठे होते थे, वालिदी वालिदी अभी अभी एकदम बाप की तरह एहतराम करते थे, एक एक मामले में मशवरा करते थे उनसे। यानी बादशाहों का तआमुल, बादशाहों का कोऑर्डिनेशन उलमा के साथ कैसा होना चाहिए, इसकी सबसे बड़ी मिसाल शेख इब्न बाज है। शेख इब्न बाज बड़ी आला शख्सियत है, कभी आपको मौका मिले तो उनके बारे में पढ़ें। अपनी सदी के मुजद्दिद थे वो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा गनी आदमी बनाया था, यानी बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान जो है वो उनके दस्तरखान पे आकर के खाना खाते थे, और मुल्क का यानी सऊदी अरब जैसे मुल्क का बादशाह उनके घर पे आता था, उनकी जियारत करता था, उनसे मशवरे करता था, और खास तौर पे दीनी मामलात में तो जो हजरत शेख इब्ने बास की अपनी रहनुमाई होती थी वो तो होती थी, बहुत सारे सियासी मामलात में भी शेख इब्ने बास जो है वो उनसे मशवरा किया जाता था, और शेख इब्ने बास के मशवरे से बादशाह जो है बहुत सारे सियासी फैसले लेता था, बहुत सारी शख्सियतों को जो है सिफारिश जो है उनके लिए शेख इब्ने बास किया करते थे। हाँ, या जिस तरह से कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन जो है जब मराठों की ताकत बहुत बढ़ गई अंग्रेजों और मुगल हुकूमत के खिलाफ, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी थे जिन्होंने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को खत लिख करके दावत दी कि वो मुगलों का कुछ तआवुन करें, और मराठा जो ताकत बढ़ी हुई थी उस दौर में जो दिल्ली तक के पहुंच रही थी अपनी शान और शौकत के एतबार से, उनको शिकस्त दें, और शेख यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ही की दावत पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने फिर मराठों का मुकाबला किया, और उनको गालिबन वो पानीपत की जंग थी जिसमें और शदीद जो है वो मराठों को शिकस्त दी और उनकी ताकत जो है वो तोड़ करके रख दी। तो बहरहाल बहुत ये बहुत अहम बातें जो मैं पता नहीं आप इस पस मंजर को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, पर ये बहुत अहम बातें हैं कि किसी मुस्लिम ममलकत में, मुस्लिम ममलकत की बात कर रहा हूँ, किसी मुस्लिम ममलकत में अगर कोई बादशाह भी हो तो उस बादशाह को भी अपने मुल्क के उलमा के ताबे होना चाहिए और उनका फरमा बरदार होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कि आतीउल्लाह व आतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि तुम में जो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमीरों की इताअत करो। उलुल अम्र का मतलब इमाम इब्न कसीर ने बताया है अल उलमा वल उमरा, उलमा और हुक्मरा, और फिर इसमें कहा कि हुक्मरा भी असल में उमरा उलमा के हुक्म के ताबे होंगे, क्योंकि उलमा का जो भी फैसला होता है वो उनका अपना जाती फैसला नहीं होता। हाँ, वो तो तौकी अन रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह ताला की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला ही का हुक्म नाफिज कर रहे होते हैं, तो इसलिए हुक्मरानों पर भी ये वाजिब है कि वो उलमा के मुत्तबे रहें। तो फरमाया कि हमारे लिए या इज़ लहुम मुबासला ना मलिका नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हमको एक बादशाह बना करके दें ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। अब क्योंकि बनी इसराइल की कौम सरकश कौम थी और इसके बारे में नबियों का पहले से तजर्बा ये था कि ये भड़के मारने वाले लोग हैं, बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं, तो उन्होंने पहले कह दिया हल आसई तुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, तुम्हारे बारे में तो तवक्को यही है, अंदेशा यही है, उम्मीद यही है, इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, कि तुम पर अगर क़िताल फर्ज कर दिया जाए तो तुम क़िताल नहीं करोगे। ज़ाहिर सी बात है शरीयत के अहकाम में एक बहुत मुश्किल चीज़ है अपनी जान दांव पे लगाना, जिहाद कोई आसान हुक्म नहीं है। इंसान के पास सबसे अजीज चीज होती है वो उसकी जान होती है, और इस जान को दांव पर लगाना जिहाद में बहुत मुश्किल काम होता है, और
ये कौम तो पहले से सबको पता था कि एक बुजदिल कौम है, नबी को भी इस बात का अंदाजा था कि ये बुजदिल कौम है। तो फरमाया कि तुम्हारे बारे में यही तवक्को है कि अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो तुम जिहाद नहीं करोगे। तो फरमाया कि तुम्हारे बारे में यही तवक्को है कि तुम पर अगर जिहाद फर्ज कर दिया गया, क्योंकि पहले से उनके बारे में अंदाजा, तो फरमाया तुम्हारे बारे में यही तवक्को है कि अगर तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो तुम जिहाद नहीं करोगे। तो इन्होंने कहा वमा लना अल्ला नुकातिल फी सबीलिल्लाहि वकद उखरिजना मिन दियारिना व बनाइना, कि हम भरा कताल क्यों नहीं करेंगे अल्लाह के रास्ते में। वकद उखरिजना मिन दियारिना व बनाइना, जबकि हमको निकाल दिया गया है अपने घरों से और अपने बच्चों से, मेरे हमारे बच्चे हमसे छीन लिए गए हैं और हमको निकाल दिया गया है, तो हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। अब भाई यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह तो कहा जाता है अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जो जिहाद करे, एक शुबहा ये पैदा होता है कि जिहाद तो कहते हैं अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे बदला लेने के लिए। तो अब ये बदला लेना कैसे फी सबीलिल्लाह हो गया? यानी फी सबीलिल्लाह तो वो है जब अल्लाह के कलमे को अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी से पूछा गया एक आदमी शुजात के लिए और एक आदमी असफियत के लिए और हमीयत के लिए लड़ाई करता है, तो कौन है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला है? तो अल्लाह ने फरमाया मन कातला ली तकूना कलिमत अल्लाह ही अलिया फहुवा ही सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए कैताल करे वो सबीलुल्लाह है। तो या तो ये कह रहे हैं कि हम बदला लेने के लिए जिहाद करेंगे, तो फिर इसको सबीलुल्लाह कैसे कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि हम यानी एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि हमको हमारे घरों से निकाल दिया गया, हमारे बच्चों से हमको महरूम कर दिया गया। तो इसका जवाब यह है कि दुनिया की जो मुसीबतें हैं उनका बदला लेने के लिए अगर कोई लड़ाई करे तो ये कताल फी सबीलिल्लाह नहीं है, लेकिन दुनिया में जो मुसीबतें आई हैं अगर वो मुसीबतें इसलिए आई हैं कि हम मुसलमान हैं, तो फिर उन मुसीबतों का बदला लेने के लिए अगर लड़ाई की जाए तो ये फी सबीलिल्लाह है। यानी एक तो होती आम दुश्मन जिन्होंने आपको वैसे ही सताया है, उनका आपसे कोई दीनी इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ऐसे दुनियावी तौर पे आपको उन्होंने कब्जा किया हुआ है, आप पर लड़ाई मुसल्लत कर दी है, तो दुनियावी एतबार से किसी से बदला लेना ये जिहाद नहीं है। पर दुनिया में जो मुसीबतों के पहाड़ आप पर तोड़े गए हैं, अगर उसकी वजह ये है कि आप मुसलमान थे, आपसे वमा नकमु मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाही, कि उनसे सिर्फ इसलिए बदला लिया गया क्योंकि वो अल्लाह पे ईमान रखने वाले थे। तो अगर अगर मुसीबतें हमारे दीन की वजह से आई हैं तो इन मुसीबतों का बदला लेना भी क्या है? जिहाद है। तो क्यों को इनको इनके घरों से इनके दीन की वजह से निकाला गया था और इनको इनके बच्चों से इनकी दीन की वजह से महरूम किया गया था, तो इस वजह से दुनिया में आने वाली मुसीबतें भी इनके दीन के सबब से थी, तो लिहाजा उन दुनियावी मुसीबतों का बदला लेना भी क्या है? ताल फी सबीलिल्लाह है। समझ में आया आप लोगों को? खालिस दुनिया का बदला लेना फी सबीलिल्लाह नहीं है, लेकिन ये बदला अगर इसलिए लिया जा रहा है कि हमारे दीन की वजह से हमको मुसीबत के शिकार किया गया, तो ये फिर ये बदला जो है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और यहाँ पे एक बात इसलिए भी मुसलमानों को मोटिवेशन के तौर पे बताई जा रही है, और इससे पता चलता है कि यानी जब इस्लामी जिहाद, जब भी मैं जिहाद करूँ ना, तो ये बात याद रहनी चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की पस मंजर में बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की पस मंजर में बात कर रहा हूँ, या फिर जो मुस्लिम मुल्क है उनके पस मंजर में बात कर रहा हूँ। कि जब अपने लोगों को जिहाद के लिए उभारना हो तो उनको ऐसी बातें बतानी चाहिए ताकि उनके अंदर जिहाद का मोटिवेशन पैदा हो। जैसे वो इस्लामी रियासत है, अगर वो अपने फौजियों को उभारने के लिए अब कोई उनकी उनका जो है वो जिहाद चल रहा है किसी मुल्क से, तो वो उस ममालिक का जो जुल्म है उस जुल्म का उसको बयान कर सकती है ताकि फौजियों के अंदर जोश पैदा हो। भाई जैसे हम हिंदुस्तान हैं, चाइना वालों से लड़ते हैं, तो चाइना ने जो जुल्म किया है तारीख के अलग अलग अदवार में हिंदुस्तान पर, और किस तरह से हमारे फौजियों को कत्ल किया है, किस तरह से अब तक हमारी जमीनों पर कब्जा करते चला आ रहे हैं, अक्साई चीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो, और हिमाचल को भी जो कभी अपने अपने उसमें शामिल कर लेता है, अक्साई चीन का भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना के कंट्रोल में है। तो जब अपने फौजियों को उभारना होता है हमको जिहाद पर लड़ने पर, तो हम चीन के मजालिम का जिक्र करते हैं ना, तो ऐसे ही जब इस्लामी रियासत होगी और उनके दुश्मनों से उनकी लड़ाई होगी, तो उनको अपने फौजियों को मोटिवेट करने के लिए, मुजाहिदीन को मोटिवेट करने के लिए उन पर होने वाले जुल्म का हवाला देना चाहिए, और उस जुल्म का वजह क्योंकि
ईमान लाना है तो फिर उसका बदला लेने के लिए भी लड़े जाने वाली लड़ाई वो फिर सबीलिल्लाह कहलाएगी। वक़द उखरिजना मिन दियारिना वबनाइना। अच्छा, अब ये क्योंकि ये जो बनी इसराइल की सूरत हाल थी तकरीबन वही सूरत हाल उस वक्त मुसलमानों की भी थी, यानी बनी इसराइल पर अमालिका ने जुल्म किया, कौम जालूत ने जुल्म किया, उनको उनके घरों से शहरों से निकाल दिया, दरबदर किया, उनके बच्चों को कत्ल किया और उनकी औरतों को गुलाम बना लिया, बहुत जुल्मों पर सितम के पहाड़ तोड़े। यही सूरत हाल मुसलमानों के साथ कुरैशियों ने भी यही मजालिम किए। जो कुरैश के लोग थे उन्होंने मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि वो अपने इलाके छोड़ करके चले जाएं। मुसलमानों ने कोई खुशी से हिजरत नहीं की थी, जब मुसलसल उन पे 13 साल तक अल्लाह के नबी सब्र करते रहे, जुल्म सितम का हर जो है वो हरबा आजमा लिया गया, अल्लाह के नबी बहुत मजबूर होकर के अपने घर से निकले। जो सहाबा भी थे बहुत खुशी से हिजरत नहीं की थी उन्होंने, जाहिर सी बात है उस जमाने में इस तरह की हिजरतों का तस्वुर नहीं था कि आदमी अपना घर, इलाका, कबीला, खानदान छोड़ करके दूसरे इलाके में जाकर के बस जाए। ट्राइबल जो एक सोसाइटी होती है उसमें तो हर इंसान अपने जब तक अपने खानदान और कबीले में रहता है तभी तक वो सेफ रहता है। तो कोई ये हिजरत मुसलमानों पर मुसल्लत कर दी गई थी। बनी इसराइल के इस वाकई को बयान करके असल में एक बात रखी जा रही है कि तुम्हारे साथ भी वही कुछ हुआ है जो बनी इसराइल के साथ उस दौर में हुआ था। तो जैसे उनको उनके घरों से निकाल दिया गया, उनके लिए एक मोटिवेशन था जालिमों से लड़ने के लिए, तो यही जुल्म तो तुम्हारे साथ भी हुआ है, तुमको भी तुम्हारे घरों से निकाल दिया गया है। फकद उखरीजना मिन दियारिना वअबनाइना, अपने बच्चों से महरूम कर दिया गया। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को छोड़ करके आए थे, बहुत सारे बच्चे अपने बाप को छोड़ करके आए थे, अपना खानदान, कुंबा, कबीला छोड़ करके हिजरत करके आए थे। तो जो मुसलमानों को भी असल में ये वाकया बयान करके ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी भी वही सिचुएशन है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलम मिन्हुम, फिर जब उन पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया तो वो पीठ फेर करके भाग गए। यानी बड़े क़िताल क़िताल की बातें कर रहे थे लेकिन जब अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दिया। अब ये भी वो सूरत हाल है जो ऐन मक्का में पेश आई थी, मदीना में, यानी जो मुनाफिकीन थे वो बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि भाई अल्लाह ताला ये जिहाद क्यों नहीं फर्ज कर रहा है, ये कब तक हम सब्र करेंगे, अब तो जिहाद फर्ज हो जाना चाहिए, हम लड़ें कितना। यानी बड़ी बड़ी आकर के जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे। और जब अल्लाह ताला ने जिहाद फर्ज कर दिया तो अल्लाह क्या हाल हुआ इनका, मुनाफिकीन का हाल कुरान मजीद में बयान करता है कि ऐसा लगता है कि उन पर मौत यानी सकरात का आलमतारी हो गया। यानी जब अल्लाह पहले कहते थे जिहाद कब फर्ज होगा, जिहाद कब फर्ज होगा, और जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो ऐसा लगता है कि उनकी जिस्म से रूहें निकल रही हैं। बड़ी प्यारी ताबीर कुरान मजीद में कहीं पर बयान हुई है ये कि वो तुम उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे उनको जो है वो उन पर मौत का सकरात का आलमतारी हो। कुरान की आयत। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में भी ये बात फरमाई है कुरान मजीद के अंदर कि किताल बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहते थे कि कब किताल का हुक्म होगा, कब किताल का हुक्म होगा, और जब किताल का हुक्म दिया गया उनके ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर मौत की गशी तारी हो, ये सूरत हाल उनकी हो गई। तो बहरहाल तो ये जो आयत है वो इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात बताई है कि ये मुनाफिकीन की सूरत हाल भी ऐसी ही थी कि जब तक के किताल नहीं करना था तब तक तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जब किताल का हुक्म दिया गया तो अक्सर लोग जो है यानी किताल के हुक्म ही के बाद तो ये सूरत हाल पेश आई कि मोमिनों और मुनाफिकों के दरमियान फर्क होना शुरू हुआ। भाई देखो, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ताला तो आसमान से बिजली गिरा करके भी दुश्मनों की फौजें तबाह कर सकता है, अल्लाह ताला दुश्मनों पर पत्थरों की बारिश बरसा करके भी उनकी फौज को हलाक और बर्बाद कर सकता है, उन पर जलजला तारी करके उनको जमीन में धंसा सकता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये जो टकराव पैदा होता है ना हक और बातिल का, ये हक और बातिल का टकराव इसीलिए होता है कि पता चल जाए कि कौन लोग हैं जो ईमान की अपनी दावेदारी में सच्चे हैं और वाकईतन अल्लाह ताला के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, और कौन लोग हैं जो सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहे थे, सिर्फ भड़के मार रहे थे। भाई जब तक जिहाद की सूरत हाल नहीं थी मुनाफिकीन बहुत आगे थे, हाँ, कि कब किताल फर्ज किया जाएगा, कब हमको लड़ने का मौका मिलेगा। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल, जब उन पर किताल फर्ज कर दिया गया तवल्लौ इल्ला कलीलम मिनहुम, तो बेशतर लोग मुंह फेर करके भाग गए, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि अब लड़ाई करें।
तो ये हर जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से अहले ईमान को आजमाता है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के दुश्मनों को खत्म करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को ताकत नहीं है, बल्कि हाँ देखिए ये सूरह निसा की आयत नंबर 77 है, मैं इसको ही तलाश कर रहा था। इससे आपको पता चलेगा कि जो सूरत हाल बनी इसराइल के लोगों में हुई थी एंड वही सूरत हाल जो है वो एंड वही सूरत हाल जो है वो पेश आई मुनाफिकिन के साथ। अल्लाह फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लदीना क़ीला लहुम कुफ्फू अईदीकुम अकीमुस सला व आतुज़ ज़का, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनसे ये कहा गया था कि हाथ रोक करके रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। मतलब जब बार बार ये कहते थे कि कब किताल फर्ज होगा, कब किताल फर्ज होगा, तो अल्लाह ने फरमाया अभी अपने हाथ रोक करके रखो। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल इज़ा फरीकुम मिनहुम यख्शौना अन्नासा कख़शयतिल्लाहि अव अशद्द ख़शया, जब उन पर किताल फर्ज कर दिया गया, मुनाफिकीन की बात हो रही है कि जब उन पर किताल फर्ज कर दिया गया, यख्शौना अन्नासा कख़शयतिल्लाह, तो इन लोगों से इतना डरने लगे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, और अशद्द ख़शया, बल्कि अल्लाह का डर कम हो गया और अल्लाह से ज्यादा लोगों से डरने लगे। कालू रब्बना लिमा कतबता अलैना अल-क़िताल, और कहने लगे अल्लाह ताला तूने हम पर क़िताल क्यों फर्ज कर दिया, लौला अखरतना इला अजलिन करीब, अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने इसको थोड़ा और टाइम के उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन थोड़ी देर के लिए तूने उसको मौखर क्यों नहीं कर दिया और थोड़ा सा पीछे क्यों नहीं कर दिया। कुल मता उद दुनिया कलील वल आखिर तो खैर लिमन इत्तका, कह दीजिए कि दुनिया का सामान बहुत कम है और आखिरत उन लोगों के लिए जो तकवा रखने वाले और सब्र करने वाले। तो ये कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये ताबीर और भी जगहों पर इस्तेमाल की है कि जो लोग पहले ये कह रहे थे कि किताल कब फर्ज किया जाएगा, जब किताल फर्ज कर दिया गया तो इनकी हालत खराब हो गई। कल्लती युक्शा अलैहि मिनल मौत, अल्लाह ने फरमाया कि जब खौफ की सूरत हाल आती है तो ये कहते हैं कि इनकी हालत ऐसी होती है जैसे लगता है इन पर मौत की गशीत आ रही है। तो बहरहाल एक लतीफ सा तंज टॉन्ट जिसको कहते हैं ना, ये मुनाफिकीन के लिए भी है कि इनकी भी यही सूरत हाल थी बनी इसराइल किस कौम की तरह, कि बार बार कह रहे थे कि कब किताल का हुक्म आएगा, कब किताल का हुक्म आएगा। लौला उन्जिलत सूरतुन, हाँ कुरान की एक आयत, बहुत सारी चीजें असल में तैयारी करते वक्त जहन में नहीं होती है और बाद में वो आयतें याद आती हैं। लौला उन्जिलत सूरतुन वयकूलु लज़ीना आमनू लौला नुज़िलत सूरतुन, और जो ईमान लाए वो कहते हैं कि लौला नुज़िलत सूरतुन, कोई सूरत क्यों नहीं नाजिल होती, यानी कोई सूरत ऐसी नाजिल हो जाए जिसमें हमको किताल का हुक्म दिया जाए, कब तक हम अपने हाथ रोक करके रखें। ये कुरैश के लोगों की सरकशी बढ़ गई, आके अल्लाह के नबी से पूछते थे बार बार कि वाली सूरत कब नाजिल होगी जिसमें जिहाद का हुक्म दिया जाएगा। फ़ाइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन मुहकमतुन वज़ुकिरा फ़ीहिल क़िताल, तो जब ऐसी सूरत नाजिल हो गई जो मुहकम है, वाज़ह है, और उसमें किताल का जिक्र आ गया कि अब किताल करो, रईतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यनज़ुरून इलैका नज़रल मग़शी अलैहि मिनल मौत, तो आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिल में मर्ज है यानी मुनाफिकीन, यनज़ुरून इलैका नज़रल मग़शी अलैहि मिनल मौत, आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे लगता है इनके ऊपर मौत की गशी तारी, ये सकरात के आलम इतना डर गए जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया अब लड़ना पड़ेगा, अब बाहर निकलना पड़ेगा तलवार लेकर के, मैदान में आना पड़ेगा, इनकी हालत ऐसी हो गई जैसे लग रहा है कि मरे जा रहे हैं, बस सकरात का आलम तारी, इतना डर गए। पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब बातें करने का वक्त था, जब अमल करने का वक्त आया तो ऐसे डर गए जैसे लगता है इनके ऊपर मौत की गशीत आ रही है। तो ये एक तरह से मुनाफिकीन पे भी तंज है, टॉन्ट है उनके लिए कि ये जैसे मुनाफिकीन है ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि किताल का हुक्म क्यों नहीं आ रहा, किताल का हुक्म क्यों नहीं आ रहा है, और जैसे ही किताल का हुक्म आया वैसे ही इनकी हालत खराब हो गई। इनकी हालत ये बिल्कुल वही बनी इसराइल की सरहद के लोग हैं, कि बनी इसराइल में भी एक तबका था जो बार बार कह रहा था कि हमको लड़ना है, लड़ना है, किताल करना है, किताल करना है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, और जब वाकईतन किताल उन पर फर्ज कर दिया गया तो वो पीछे हट गए, इल्ला क़लीलन मिनहुम, लेकिन हर तबके में एक तबका होता है जो उलुल अज़्म होते हैं। तो बहरहाल तो मुनाफिकीन पर भी एक तंज है, लेकिन है थी एक तबका था
जो ईमान पर कायम रहने वाला था, तो वो बाकी रहा, तवल्लो इल्ला कलीला मिनहु। अच्छा, इससे हमको एक बहुत अहम नसीहत ये भी मिलती है ना, अल्लाह ने जो चीज़ वाजिब नहीं की वो अपने ऊपर वाजिब नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इन पे पहले वाजिब नहीं किया था, इन्होंने खुद मुतालबा करके वाजिब कराया ना, फिर लेकिन फिर उसका हक नहीं अदा कर पाए। इन्होंने अगर मुतालबा नहीं किया तो शायद अल्लाह वाजिब नहीं करता, पर इन्होंने कहा नहीं, हमको लड़ना है, लड़ना है, वाजिब होना चाहिए, क़ताल क्यों नहीं वाजिब हो रहा है। एक चीज़ जो अल्लाह ने नहीं वाजिब की उसको अपने ऊपर नहीं वाजिब करना चाहिए। क्या तरीका होता है, यानी आप लोग चैट में जवाब दें मुझे, क्या तरीका होता है इसका कि अल्लाह ने जो वाजिब नहीं किया खुद अपने ऊपर वाजिब कर लें, इसका तरीका क्या होता है? कसरते सवाल। हाँ, अल्लाह के जमाने में कसरते सवाल भी तरीका था। और क्या तरीका होता है, जो चीज आप पर वाजिब नहीं है उसको वाजिब करने का तरीका क्या होता है? किसी ने सही जवाब नहीं दिया, नजर मानना। कोई चीज आप पर वाजिब नहीं है, पर जब आप नजर मानते तो क्या होता है, वो चीज आप पर वाजिब हो जाती है। मसलन आप पर रोजा रखना नहीं वाजिब था, लेकिन आपने नजर मान ली कि मेरा ये काम हो गया तो मैं 10 दिन का रोजा रखूंगी। अब ये रोजा रखना आप पर क्या हो गया, वाजिब हो गया। आप पे जो है वो कोई जो है वो सदका वाजिब नहीं था, पर आपने नजर मानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं सदका करूंगी, तो अब क्योंकि नजर पूरा करना वाजिब है, यूफून अबिन नजरी, जो अहले ईमान है वो नजर को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा, फिर अल्लाह के नबी नजर को इसलिए पसंद भी नहीं किया ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया नजर से जो है इंसान की तकदीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अल्लाह बखीलों का माल निकाल लेता है। तो बखील जो है वैसे कुछ नहीं देता है, नजर मान लेता तो देना पड़ता है। तो ऐसी चीजें अपने ऊपर वाजिब नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले भी ऐसा होता रहा, जैसे बनी इसराइल ही के बारे में, अहले किताब के बारे में आया है, नसारा के बारे में, और रुहबानियतिनिबतदाउहा मा कतबना अलैहिम, कि ये जो रुहबानियत, सन्यासीपन, जोगीपन, ये इन लोगों ने बिदअत ईजाद कर ली और अपने ऊपर एक सख्तियां नाफिज कर दी, अल्लाह ताला ने इन पर वाजिब नहीं किया था। यानी जो कलीसे में बंद कर लेना है, निकाह नहीं करना है, कारोबार नहीं करना है, सन्यासी बन जाना है, जोगी बन जाना है, ये जो कली जो ईसाइयों के अंदर आया, रहबानियत, व रहबानियत इब्तदउहा, ये रहबानियत अल्लाह ने उन पर वाजिब नहीं की थी, इन्होंने इसको गढ़ लिया अपनी तरफ से, और जो है वो इसको फिर उसका हक भी अदा नहीं कर पाए, रहबानियत का हक भी अदा नहीं कर पाए। शादी नहीं करेंगे, इन्होंने अपने पर वाजिब कर लिया, फिर हुआ ये कि जना करने लग गए। माल नहीं कमाएंगे, इन्होंने अपने पर वाजिब कर लिया, फिर बदतरीन करप्शन जो है वो कलीसा के अंदर हुआ, चर्च के अंदर हुआ, उसकी पूरी तारीख है। हत्ता कि चर्च में आने वाले लड़कों तक को नहीं छोड़ा गया, छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अल्लाह ताला ने जो हलाल किया था उन पर निकाह, उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया। फिर जिना के ऐसे आदी हुए कि जो नंस थी उनके साथ जिना किए, जो छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके साथ भी जिना किया। तो जो चीज़ अल्लाह ने आप पर वाजिब नहीं की उसको अपने ऊपर वाजिब नहीं करना चाहिए। इसलिए नजर के बारे में सही बात ही कि वो मकरूह है, यानी अल्लाह ताला के पसंदीदा नहीं है, लेकिन कोई कर लेगा तो फिर उसको मानेगा तो पूरा करना पड़ेगा। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ ना कि इन पर एक चीज़ अल्लाह ने वाजिब नहीं की थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर क्या कर ली, वाजिब कर ली। वल्लम्मा कुतिबा अलैहिम अल-क़िताल तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिन्हुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ालिमीन को जानता है, यानी जो जुल्म करने वाले हैं उनको जानता है। जुल्म करने वालों को जानता है मतलब ये होता है कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमी की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने जो चीजें वाजिब की थी उन्होंने उस वाजिब पर अमल नहीं किया, तो वो जालिम है अल्लाह की नजर में, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बेहतरीन तरीके से जानता है। यानी हो सकता है दुनिया में तफरीक ना कर सकें हम कि जालिम कौन है, मोमिन कौन है, पर कयामत के दिन अल्लाह ताला तफरीक कर देगा कौन जालिम है कौन मोमिन है। आज की अगली वाली जो आयत है वो बहुत लंबी है, और तो इंशाअल्लाह आज के दर्स का इसी एक आयत पर इक्तफा किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान वही समझने वाला, पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे ईमान इस्लाम पर जिंदा रखे, कुरान मजीद की जो हकूक है अल्लाह ताला वादा करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह अगले दर्स में जवाब देता हूँ मैं सवाल का।